दोस्तों ये है रशिया की वो तीन मस्जिदें जिनके अंदर लाखों मुसलमान एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। नंबर थ्री, मस्जिद कुल शरीफ, जो रशिया का तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद है और इसका निर्माण 1619 सदी में कुल शरीफ ने करवाया था। और इस मस्जिद में एक साथ 6000 से अधिक लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और इस मस्जिद को बनाने में सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों का बड़ा योगदान है। नंबर टू, मॉस्को मस्जिद, जो रशिया का दूसरा सबसे बड़ा मस्जिद है और इसकी स्थापना 1904 में तातारियों ने की थी। और इस मस्जिद में एक साथ 10,000 से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद का उद्घाटन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रजब तैयब अर्दोगान ने किया था, जिस मॉस्को मस्जिद को आज भी सबसे बड़ा मस्जिद कहा जाता है। नंबर वन, मस्जिद अहमद कादिरोव, जो रशिया का पहला सबसे बड़ा मस्जिद है, जो अपने अनोखी खूबसूरती के कारण पूरे दुनिया में फेमस है। और इस मस्जिद में एक साथ 20,000 से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और इस मस्जिद का स्थापना में व्लादिमीर पुतिन का बड़ा योगदान है। इससे पता चलता है व्लादिमीर पुतिन एक बड़ा नेकदिल इंसान है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।